नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नर्क का द्वार कहते हैं इस थोर के कुएं को, लगता है पानी खींच रही है धरती पर गहराई करती है हैरान। कई अनुभवी पर्यटक मानते हैं कि दुनिया में सबसे मशहूर नियाग्रा फॉल्स उतना आकर्षक नहीं रहा, क्योंकि यहां पर भीड़ भाड़ बहुत ही ज्यादा हो गई है और यहां का व्यवसायीकरण भी बहुत कुछ ज्यादा ही हो गया है। ऐसे अगर आपको शांत और कम भीड़ वाले किसी प्राकृतिक सौंदर्य स्थल की तलाश है तो आप अमेरिका के ही ओरेगॉन राज्य आशाजनक केप पेरपेटुआ दर्शनीय क्षेत्र के थॉर्सवेल के सफर को आजमा सकते हैं। यह एक विशाल ध्वस्त समुद्री गुफा है जो एक महान नाटकीय प्रभाव में समुद्र के पानी को सोख लेती है। सुंदर प्राकृतिक आश्चर्य प्रशांत महासागर को सुखाने का प्रयास करने वाले अथाह सिंकहोल का भ्रम पैदा करता है। इसका मतलब यह है कि आकर्षक भूवैज्ञानिक दृश्य ने कुछ उपनामों को जन्म दिया है जिनमें प्रशांत का ड्रेन पाइप या गेट टू हेल्थ शामिल है। थॉर्सवेल नाम थंडर के नॉर्स गॉड के नाम पर पड़ा है। ये ऊबड़ खाबड़ ओरेगॉन तटरेखा के साथ बेसॉल्ट रॉक संरचनाओं की एक श्रृंखला के बीच एक विशाल छेद है। ये छेद ऐसा दिखता है मानो ये समुद्र के पानी को पाताल की गहराई खाई में ले जाने का काम करता हो। जितना ये पानी को अंदर खींचता दिखाई देता है उतना ही ये पानी की लहरों को आकाश में उछालता है। ये प्राकृतिक गीजर जैसा प्रदर्शन कई ट्रैवल फोटोग्राफर को खासतौर से ओरेगॉन तट की ओर आकर्षित करता है, जिससे थॉर्सवेल सभी के लिए एक सामान्य बकेट लिस्ट आइटम बन जाता है। जब ज्वार अधिक होता है या तूफानी मौसम होता है तो लहरें ढही हुई गुफा से टकराती हैं और पानी समुद्री झाग की फुहारों में छेद में प्रवेश करते ही गायब हो जाता है। इसके बाद ये शक्तिशाली विस्फोटों की तरह फिर से प्रकट होता है, जिससे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा दिखाई देता है। नाम में वेल यानी कुआं होने की वजह से लोगों के जहन में एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर थॉर्सवेल कितना गहरा है। वैसे तो चौड़ाई में ये बहुत ही बड़ा और गहरा प्रतीत होता है, लेकिन इससे लोग इसकी गहराई का सही अंदाजा नहीं लगा पाते। वास्तव में इसकी गहराई केवल 20 फुट यानी कि 6 मीटर है। थोर के कुएं में कम ज्वार के पानी का स्तर इतना कम हो सकता है कि पानी दीवारों से टकराकर पानी के विस्फोट का कारण बन सकता है। वहीं उच्च ज्वार में पानी का स्तर इतना अधिक हो सकता है कि आपको पानी के बहाव के प्रभाव को देखने से रोक देगा। इसके अलावा उच्च जल स्तर के कारण आप छेद के बहुत करीब नहीं जा पाएंगे। थॉर्सवेल की यात्रा का सबसे अच्छा समय उच्च ज्वार से 1 घंटा पहले या बाद का है। इस समय से देखने से आप थॉर के कुएं को चक्रीय रूप से नाली और कुंड से खाली की ओर भरते हुए देख सकते हैं। यह हवा में पानी की बौछार देखने की सबसे अच्छी संभावना के लिए भी सबसे अच्छा स्थान है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।